बीज मंत्र, जिसे वैदिक बीज मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य मंत्र है या महान आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न ध्वनियां हैं। इन्हें अक्सर हिंदू धर्म में प्रमुखता से सभी देवता का श्रव्य बीज संस्करण कहा जाता है। बीजस कई मंत्र रचनाओं का हिस्सा है और इसीलिए वे मंत्रों की बैटरी की तरह है। ऐसा माना जाता है कि जब एकाग्रता से जप किया जाता है तो बीजे मंत्र भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकते हैं और सभी खतरों और दुश्मनों से रक्षा भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि विभिन्न ग्रहों के लिए वो कौन से बीज मंत्र हैं जिसका जप करके हम मारक ग्रहों को शांत करके उन्हें भी पॉजिटिव कर सकते हैं और योग कारक ग्रहों को और भी पावरफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह का बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इसका उच्चारण हम इस तरीके से करते हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। चंद्रदेव के लिए बीज मंत्र हमें यह करना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। मंगलदेव के लिए बीज मंत्र ये करना चाहिए, इसका उच्चारण सुने, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। बुद्धदेव के लिए बीज मंत्र हमें ये करना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। गुरुदेव यानी बृहस्पति देव के लिए बीज मंत्र हमें ये करना चाहिए, इसका उच्चारण सुने, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। शुक्रदेव यानी कि शुक्राचार्य के लिए बीज मंत्र ये होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शनिदेव के लिए बीज मंत्र हमें ये करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। राहु देव के लिए बीज मंत्र ये करना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। और अंत में बात करें केतु देव के लिए तो हमें यह बीज मंत्र करना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः।
ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये सारे बीज मंत्र हमें 108 बार करना चाहिए, यानी कि एक माला। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब आप खुद की अपनी कुंडली देखकर जान सकते हैं कि अभी वो कौन से ग्रह हैं जिसका जाप करके आप उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।